भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है माओ सचिन चौधरी। सागर में महापौर को चुनाव अपने शवाब पे चढ़ जा रहा धीरे धीरे और गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन यही बीच में फिल्मी कलाकार बुंदेलखंड के गौरव मुकेश तिवारी जी भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं। दरअसल मुकेश तिवारी जी की भाभी जी चुनाव लड़ रही हैं। भाई साहब चुनाव प्रचार में उतरे हैं, कैसो माहौल लग रहा हो, का लोग कह रहे सागर की? अच्छा लग रहा है। और हम जब चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो हमारा व्यक्तिगत संबंध लोगों से होता है या होते हैं, और बहुत स्नेह लोग रखते हैं और उसके प्रति हम धन्यवाद बोलते हैं। और बहुत जल्दबाजी हुई है कि क्या लोग बोल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, क्या होने वाला है, लेकिन हम हमेशा बचपन से लेकर अभी तक रहे हैं कि एक सकारात्मकता रहो चाहिए, एक पॉजिटिविटी रहो चाहिए, तो लोग ही पॉजिटिविटी आपको देते हैं और वो पॉजिटिविटी से अपन जुड़े हुए हैं और हमारा दायित्व तो बनता है भाभी जी के प्रति। लोग कहते हैं कि वो गृहिणी हैं, वो राजनीति में नहीं हैं और कैसे संभालेंगी, तो इतनी कुशल गृहिणी हैं, उन्होंने परिवार तो संभाला ही, इतना विशाल परिवार संभाला है और अपने पति को संभाला है, हम लोग माँ के ना रहने के बाद हमें संभालो है और अपने बच्चों को संभाला है। जब वो परिवार इतना सुंदर बना सकती हैं तो शहर भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो शहर खूबसूरत बना सकती है, सागर शहर के तमाम सारे ऐसे मुद्दा हैं और जिन पे लगातार डिस्कशन चल रहा है, विकास को लेके या कांग्रेस पार्टी की अपोजिशन, तो आप जनता के बीच कौन सी बात रख रहे हैं? जनता से हमारा यही कहना है कि अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि अभी सागर का विकास का हुआ है कि चरम पे है। जो स्मार्ट सिटी बनाने की योजना जो आई है, थोड़ा सा कष्ट बिल्कुल हो रहा होगा, तालाब को सूखा हुआ देख के बिल्कुल एक इमोशन जागता होगा, लेकिन अब यदि हम चक्राघाट से लेके आते तक कि एक बीच में से तालाब के बीच में से यहाँ तक गोपालगंज की रोड से और मतलब बस स्टैंड तक आ रही है एक रोड, तो सुविधाएं आएंगी, तो एक सुविधाओं के लाने थोड़ी सी असुविधा तो होती है और बड़ी परियोजनाएँ हैं। और इसका अर्थ ये है कि हमें एक साम्य स्तर पर चलना है और परिणाम यदि हमें केंद्र सरकार ने दिए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं, तो हमें विश्वास करना होगा। और हमें एक चीज़ पर बिल्कुल विश्वास है कि भाभी जी रबर स्टाम्प नहीं बनने वाली, उनके अपने स्टेप होते हैं, उनका अपना सोचना होता है, उनकी अपनी दृष्टि होती है, और ये भी एक विकास का दृष्टिकोण है कि एक गृहिणी को भी आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। और सागर के विकास को लेकर हमेशा, या बुंदेलखंड के विकास को लेकर बोले, हम अपन लोग बहुत पिछड़े रहे हैं, हमने हमेशा पिछड़ापन ही देखा है। और पिछड़ापन का क्षेत्र मतलब ये नहीं होता कि सड़कें बन जाना है या बड़े बड़े हाईवे बन जाना है या बड़े बड़े ऑडिटोरियम बन जाना है। विकास का अर्थ ये भी होता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो, उससे परिवार का भी सशक्तिकरण होता है, क्योंकि हम समानता के भाव से बहुत कम सोच पाते हैं। जैसे हमारे बुंदेलखंड की महिलाएँ हैं, हमने कभी उनको समानता की, या पूरे देश के परिदृश्य को देखें, तो यदि हम उस समानता की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा विकास है। समानता की तरफ बढ़ो, जो एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जैसे हम लोग भी लगातार घूम रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो ये बात को मुद्दा उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एकदम घरेलू महिलाएं, हमारे प्रत्याशी ज़्यादा तेज तर्रार हैं। आपको एक दावा है कि रबर स्टैंप साबित नहीं हुई है भाभी, अगर महापौर के तौर पर उनको मौका मिले तो? बिल्कुल। और ना मैं उनके परिवार के विषय में बात करता हूँ, मैं उनका भी उतना ही सम्मान करता हूँ, वो भी हमारे परिवार जैसे ही हैं, वे भी एक महिला हैं और वो भी हमारा परिवार है, और तो हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और न हम करवा चाहता है। एक पारिवारिक सम्मान सबका बना रहे और उस स्तर पर हम कभी नहीं उतरेंगे। उतनी घटिया सोच हमारी नहीं है और न हम कबू सोच हैं, ना हम उनके विषय में कभी इतना वैसे बोलेंगे। मुद्दे बनते हैं राजनीति में, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है सचिन जी, कि जीवन एक बहुत बड़ा सत्य है, उसकी सत्यता को पहचानना बहुत आवश्यक होता है। और यदि सत्यता राजनीति में आने के बाद आप सत्यता को ही छोड़ देते हैं तो इससे आपका चरित्र पता चल जाता है। शहर के तमाम सारे मुद्दे हैं, जैसे आपने कि तालाब का मुद्दा, आपने बहुत सारी बातें खुद ही कही हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी जो बन रही है, उस स्मार्ट सिटी में बिल्कुल हमें तो लग रहा है कुछ चुनाव वही पिट्टी के, कि भाजपा अपने आप को जो बता देवे कि स्मार्ट सिटी के काम पूरे होकर शहर को विकास का हुई, और कांग्रेस स्मार्ट सिटी के कामों के दौरान जो असुविधा हो रही वही को मुद्दा बना। देखो असुविधा तो होगी, जैसे यदि मुंबई में हम रह रहे हैं, मुंबई में मेट्रो बन रही है,
अब मुंबई में मेट्रो पिछले 5 साल से बन रही, 6 साल से बन रही है, अब दिक्कत हो रही है ट्रैफिक में, परेशानियाँ हो रही हैं। जिस जगह हम लोग 20 मिनट में पहुँच जाते हैं, अब वो हमें पहुँचने में 1.5 घंटा लग रहा है। लेकिन हम उस सुविधा को सोचना चाहिए कि आम आदमी को क्या लाभ होगा, कि मुकेश तिवारी तो ऑडी में चले जा रहे हैं, मुकेश तिवारी तो गाड़ी में बैठे हैं, तो मुकेश तिवारी को ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने पूरी रोड खरीद ली है, मुकेश तिवारी की थोड़ी वो रोड आए। लेकिन आम आदमी रोज जो सफ़र करता है 80 किलोमीटर तक या 40 किलोमीटर तक एवरी डे प्रतिदिन, वो की सुविधा के बारे में सोचना पड़ेगा ना। विकास न्यूनतम व्यक्ति के लिए होता है, विकास संपन्न व्यक्ति के लिए नहीं होता है, और यही हम गलती कर जाते हैं, राजनेता गलती कर जाते हैं, राजनीति करने वाले गलती कर जाते हैं कि विकास न्यूनतम व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंचता है उस विकास का कोई अर्थ नहीं है। तो ये न्यूनतम व्यक्ति के लिए ही तो हो रहा है कि वे सहजता से पहुंच सकें, जहां पे बसें आसानी से चल सकें, जहां ऑटो आसानी से चल सकें। इसके लिए नहीं कि रेंज रोवर आसानी से चल सके, इसके लिए नहीं कि संपन्न लोग हैं, तमाम गाड़ियाँ हैं लोगों के पास और अपनी संपन्नता का दावा करें। तो जब शहर रिएक्ट प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो ऐसे लोग रिएक्ट ना करें जो अति धनाढ्य हैं। एक आखिरी सवाल, पिछली बार जब आप सुशील भाई साहब के लिए प्रचार करके आए थे तब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे भाई साहब, इधर भाभी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही, का अंतर आप दो ही प्रचार के दौरान का अंतर थे? देखो वो 2013 था, 2013 में 9 जोड़े सो 2022 हो गए, 9 साल में जीवन शैलियाँ बदल गई, सोचवे को तरीका बदल गया, देखवे को तरीका बदल गया, सुनवे को तरीका बदल गया, ग्रहण करने का तरीका बदल गया है, पूरा युवा वर्ग इस समय तैयार है। और युवा वर्ग, आज के युवा वर्ग पे हमें इसलिए बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, इसलिए नहीं कि इलेक्शन है, हम हैं अजय भाई हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग बात करते हैं, युवा वर्ग आज का झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो हम लोग तो अब कुल्फी खावे जाते तो बाई बाबू ने पूछ ली कहाँ गए थे, अरे ते खड़े थे, जाने बता पाते कुल्फी खावे चले गए थे, एक अपराध बोध का भाव रहता था, गैर यार माता पिताजी के पैसे खर्च ना करा दिए। आज के युवा वर्ग में एक साफ गोई था, साफ गोई है, युवा वर्ग झूठ नहीं बोलता आज का, उसके अंदर एक बहुत स्पष्टता का भाव है, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। और युवा वर्ग के लिए ही हमें सोचना पड़ेगा, और यही अंतर आया है 2013 के चुनाव से 2022 के चुनाव में। और एक बहुत बड़ा अंतर है कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ने उसको एक नई दृष्टि दी है, हम ये नहीं कहते कि उसको ज्ञान दिया है, लेकिन उसको अपना एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत सोच पैदा हुई है युवा वर्ग में, और युवा वर्ग पे हमें बहुत विश्वास है। और इस तरीके से जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है, इसलिए नहीं कि हम पॉपुलर ज़्यादा हो गए हैं या पॉपुलर कम हो गए हैं, वो एक अलग विषय है। हम सागर से हमारा कोई राजनीतिक संबंध या किसी राजनेता से या किसी उससे कोई स्वार्थों से नहीं है, पूरा परिवार ही है, पूरा बुंदेलखंडी हमारा परिवार है, जैसे मध्य प्रदेश ही पूरा परिवार है, हर राजनेता से संबंध है हमारे, सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन अपने व्यक्ति के स्वार्थों के लिए मैं कभी नहीं मिला, हमने कभी डंडा नहीं बोली कि हमें भोपाल में फ्लैट दिला दियो, ये कर दियो, वो कर दियो, वो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम जब एक युवा वर्ग आपसे आपको प्रतिक्रिया देते हैं, जब युवा वर्ग आपकी तरफ मुस्कुरा के देखता है, तो उनकी आशाओं को पूरा करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और बहुत फ़र्क है इस बार के रिस्पांस में। और मतलब हम कोई बहुत बड़े विश्लेषक नहीं हैं चुनाव के या राजनीति के या वोटर्स के, या बस हम एक चीज़ के खिलाफ हैं कि ध्रुवीकरण किसी भी किस्म का हो वो घातक होता है। तो ध्रुवीकरण घातक होते हैं, और मुकेश तिवारी जी जो बुंदेलखंड के एक बड़े चर्चित कलाकार हैं, बुंदेलखंड के गौरव हैं, और फिलहाल वे एक पारिवारिक जिम्मेदारी के तौर पर चुनाव प्रचार करवे आए हैं अपनी भाभी को, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं सागर में महापौर को, और यही से भी प्रचार करवे आए हैं, और उनको उम्मीद है कि सागर की जनता उनके परिवार को प्यार और स्नेह जरूर दे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के। प्रवेश प्रारंभ, नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।
अपनी खुशियों को बनाएं खास होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाएं यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।